आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर ब्लॉग वेबसाइट या फिर वेबसाइट किस तरीके से बनाएं, कुछ ही स्टेप फॉलो करके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वेबसाइट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है आज के दौर में, ठीक है। पहले था कि इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, पर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेबसाइट बनाकर पैसे तो कमाना चाहते हैं और इसी के साथ में पर उन्हें इस चीज़ की पता नहीं है कि आखिर वेबसाइट किस तरीके से बनाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये पूरी क्लियर कर दूंगा कि आखिर किस तरीके से आपको वेबसाइट बनाना है A to Z और आखिर पैसे किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे कि shankarblog.com, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। मेरी जो वेबसाइट है वो ये है जो कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। और चलिए मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है। आप इस वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से बनाई है, वो कि वर्डप्रेस के थ्रू जाकर, ठीक है। आप यहाँ पर ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगर पर जाके कर सकते हैं, पर यहाँ पर ब्लॉग मैं कहूँगा कि आप वर्डप्रेस के ही थ्रू जाइए, क्योंकि इसके अंदर आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। और उसमें आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक ये आर्टिकल लिखा था मैंने यहाँ पर, जो कि प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे खुद का ही लिखा हुआ है। और अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करके देखिए ज़रूरगा, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई कमी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोगो देखने को मिल गया है, ये लोगो किस तरीके से लगाते हैं इस पर भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना दी है। और इसी के साथ में आपको ये देखने को मिला है सारे जो कि मेनू, ठीक है, जैसे कि होम, ब्लॉग और लाइफस्टाइल, मोबाइल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, वेब स्टोरी, इसी के साथ में ऑथर, प्राइवेसी, और यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई जो हिंदी में है ब्लॉग लिखते हैं तो वो दूसरे देश में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो कि मैंने यहाँ पर एक ट्रांसलेट का ऑप्शन लगा दिया है, ठीक है। ये ट्रांसलेट का ऑप्शन किस तरीके से लगाते हैं इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में करना है तो अभी आप देख पा रहे हैं ये हिंदी में था, अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल है वो यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब जो भी इंग्लिश जानता होगा, जिस भी देश में देखता होगा, वो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर देख सकता है। इससे यह है कि जो ट्रैफिक है वो हमारी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ अरबी, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर रशियन कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रशियन कर दी है, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल है वो रशियन में हो गया है, बस एक क्लिक में, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं यहाँ पर चलिए फिलहाल तो अभी हिंदी ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी ही जानता हूँ, रशियन नहीं जानता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर बंगाली वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बाद यहाँ पर मेरा एक YouTube चैनल है, जो कि आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस चैनल पे, तो चैनल का लिंक है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो चैनल का लिंक किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको इस पर वीडियो बना दी है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितने आर्टिकल लिख दिए हैं और कितने मैंने यहाँ पर क्या क्या कर दिया है, तो चलिए मैं यहाँ पर वर्डप्रेस को अपने डैशबोर्ड को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब ये रहा हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कमेंट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर, जो वेबसाइट है मेरी कितनी यहाँ पर रैंक की है, ठीक है। क्योंकि अगर आप शुरू शुरू में करते हैं तो कोई भी काम सही उस पर बहुत कम ट्रैफिक या फिर आपको मेहनत करने की कड़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं वेबसाइट मेरी एकदम किस तरीके से रैंक करी है, ठीक है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है कि अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी लोगों की ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम वेबसाइट बनाएं तो पैसे किस तरीके से आएंगे। तो आपको आप कहीं पर भी जाकर इस चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं कि वेबसाइट से पैसे किस तरीके से बनाएं, ब्लॉग बनाकर पैसे किस तरीके से बनाएं। बस आपको करना क्या है, अपनी वेबसाइट बनाना है। शुरू शुरू में आपको जरूर लगेगा, पर मैंने इस पर पहले ही कंप्लीट वीडियो बना दिया कि आप यहाँ पर एक अपनी ब्लॉग वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। A to Z मैंने आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को देखकर और आप यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, कितने पैसे एक्चुअली में खर्च करने होंगे, ठीक है। पैसे आप यहाँ पर करीब 600-700 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। पर 600-700 रुपये खर्च मत कीजिएगा, आप यहाँ पर रुपये खर्च कर लीजिएगा 6-7 हज़ार, ठीक है।
और आप यहाँ पर कम भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कम खर्च करते हैं तो आपको कम समय के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट का डोमेन वगैरह है, ठीक है, वो आपको कम पैसों में कम समय के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर लेते हैं तो वहाँ पर आप 4-5 साल तक आपको कोई भी पैसा यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कि अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे किस तरीके से वेबसाइट बना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर 40-45 जैसे आर्टिकल लिख जाते हैं हम, ऐसे इस पर हम ऐड लगाने के लिए गूगल के लिए भेजेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम ऐड लगा देंगे, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी खासियत हैं जो कि वर्डप्रेस के थ्रू जाते हैं और आप ब्लॉगर वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, तब, ठीक है। तो यहाँ पर यह है, अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू जाते हैं तो कई सारी कंपनियों के थ्रू आप यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं, सारी चीज़ों को खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर कुछ भी कभी भी दिक्कत होती है तो आपका जो डाटा है, जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, वो आपके ही पास रह जाएंगे सब कुछ, ठीक है। पर उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप YouTube पर अकाउंट बनाते हैं और YouTube ने आपको सस्पेंड कर दिया तो आपका अकाउंट ही डिलीट कर देंगे पूरा का पूरा, 5 से 1 कोई भी चीज़ भी वहां पर नहीं ले सकते हैं, उसके बाद में वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। पर इसमें अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे काम करना ही करना है, आपने मन बना लिया है कि वेबसाइट बनाकर मुझे पैसे कमाना है, क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं कि हम YouTube पर अपना फेस किस तरीके से दिखाएंगे, कि हमें इस तरीके से बोलना नहीं आता, इसके लिए कैमरा चाहिए। और ये बात सही है कि आज के दौर में, ठीक है, कंपटीशन बहुत है YouTube पर, अच्छी क्वालिटी में वीडियो, इसी के साथ में आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी आवाज़ है उसमें भरभरा रही है, ठीक है, कि कहीं पर आवाज़ सही आ रही है तो कहीं पर आ ही नहीं रही है। तो इस तरीके से भी YouTube पर अब इतना कंपटीशन है कि लोग लाखों रुपए के कैमरे ले लेकर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे महंगे महंगे जो माइक्रोफोन हैं, ठीक है, वो लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे वो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी वीडियो को वहाँ पर कौन देखेगा, ठीक है, वो चलेंगी भी मगर उस हिसाब से नहीं चलेंगी फिर, क्योंकि आपका टाइम भी बर्बाद हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप फ्री वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फ्री वाली बना सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है कि आप फ्री में ब्लॉगर पर जाकर अपनी ब्लॉग वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं और आर्टिकल लिखकर आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे। और इसी के साथ में आपको जब भी मैं इस पर मेरे और 5-6 आर्टिकल लिख देता हूँ, उसके बाद भी मैं आपको इस पर बताऊँगा कि आखिर आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से अपनी वेबसाइट को रन कराना है, रन कराना काफ़ी मुश्किल भी काम है और काफ़ी सरल भी काम है, ठीक है। बस आपको ये सारे काम आने चाहिए, ठीक है, और आने किस तरीके चाहिए तो आपको इसकी चिंता करना नहीं है। मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से अपनी वेबसाइट आपको रन कराना है, ठीक है। छोटी छोटी रिस्क आप अभी से लेना सीख जाइएगा, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचना नहीं है कि इतने यार पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ हम करेंगे नहीं तब, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ में आपको कुछ पार्ट टाइम ऐसा काम करना चाहिए जो कि आपका मन भी उसमें रहे, और इसी के साथ में अगर आप काम नहीं करते हैं तब भी पैसे आए, ठीक है। तो इसके लिए ब्लॉग या फिर आप सोशल मीडिया पर रहें और अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ से अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो आपकी जो जॉब है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।